बरवाना जनपद से जहां बबेरू कस्बे में पुनः सब्जी मंडी को गल्ला मंडी में लगवाने हेतु सब्जी के थोक एवं फुटकर विक्रेता की बैठक गल्ला मंडी परिसर पर की गई। वहीं सब्जी मंडी संघर्ष समिति का गठन भी किया गया और पदाधिकारी भी सर्वसम्मति से चुने गए। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के कृषि उत्पादन मंडी में पिछले 25 वर्षों से चल रही सब्जी मंडी को कोरोना काल लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी को गल्ला मंडी से शासन के द्वारा बंद करवा दिया गया था, जिसको पूर्णतः व्यापारियों के द्वारा गल्ला मंडी क्षेत्रीय थोक सब्जी विक्रेता के द्वारा बैठक की गई और सर्वसम्मति से सब्जी मंडी संघर्ष समिति का गठन भी किया गया, जिसमें क्षेत्रीय फुटकर सब्जी विक्रेता बैठक कर अपनी समस्याओं के निदान हेतु गंभीरता से विचार विमर्श किया। बैठक में मौजूद इलाके के वरिष्ठ समाजसेवी बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री, पत्रकार एवं के महंत शिवहरे अध्यक्ष, व्यापार मंडल बबेरू कंचल गोट के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि संबंधित अधिकारियों, क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधियों से सहानुभूति पूर्वक वार्ता करके सर्वमान्य हल निकालकर समस्याओं का समाधान कराया जाए। गठित की गई संघर्ष समिति में सूरज कुमार उर्फ बंटी को अध्यक्ष, रामकृपाल मौर्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राशिद खान महामंत्री, पप्पू गुप्ता व मोहन सविता मंत्री, रामस्वरूप गुप्ता संगठन मंत्री सहित 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। बैठक में लगभग 150 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। यहाँ पर किस प्रकार की बैठक की गई है और किन समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है? मैं डॉक्टर बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री, समाज सेवा का सदैव कार्य करता हूँ और इन फुटकर सब्जी विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं तथा बबेरू क्षेत्र के लगभग 2-3 दर्जन गांव के किसानों ने हमसे अनुरोध किया कि ये इतनी जटिल समस्या है कि हमारी कृषि उत्पादन मंडी परिषद, मंडी समिति, मंडी का स्थल जो किसानों का स्थल है, वहाँ पर हमको प्रवेश नहीं दिया जा रहा, ना ही हमारे द्वारा उत्पादन की गई सब्जी की बिक्री हो रही, ना कोई खरीद हो रही। ऐसी स्थिति में कृषि उत्पादन मंडी स्थल पर कोरोना काल में जो मंडी लगती थी उसे पूर्ववत चालू कराने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है और उसी में संघर्ष समिति बनाकर अध्यक्ष, महामंत्री और विभिन्न पदाधिकारियों का चयन किया गया और इस मामले में इस समस्या को लेकर बबेरू विधायक और कृषि उत्पादन मंडी सचिव और अब तक एसडीएम महोदय से वार्ता हो चुकी है। वार्ता काफ़ी हद तक संतोषजनक जा रही है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसी संघर्ष की स्थिति होगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि आपसी सामंजस्य और शांतिपूर्ण तरीके से इन व्यापारियों की इस जटिल समस्या को अति शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाएगा। किस जगह मांग कर रहे हैं लगाने का? यह कृषि उत्पादन मंडी परिसर में जिस तरह से पूर्ववत मंडी लगाई जाती थी, जिस तरीके से फुटकर और थोक विक्रेता अपनी अपनी दुकानें लगाते थे, हमारा उनसे अनुरोध है कि अगर वहाँ गल्ला व्यापार की दुकानें चल रही हैं तो उनके सामने के बजाय आधा पोर्शन मंडी का पूरा खाली पड़ा है। ऐसी दशा में सब्जी विक्रेताओं को आधे पार्ट में मंडी के उत्तर क्षेत्र में जो पड़ा हुआ है खाली मैदान, वहाँ पर फैल के इनको अपनी मंडी लगाने के लिए, ताकि लॉकडाउन का भी पालन होता रहेगा और सब्जी भी कायदे से वितरित होती रहेगी। सब्जी विक्रेता और किसान भाई सभी अपने अपने सामान को यहाँ से जो किसान उत्पादन करके लाएंगे उनकी बिक्री होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री। पर किस प्रकार की बैठक की गई? आज यहाँ जो सब्जी व्यापारी हैं, थोक वाले हों चाहे फुटकर वाले, वो लगभग 8 महीने से जब से कोरोना लॉकडाउन चालू हुआ, इनको जिस तरह जबरदस्ती पुरानी गांधीनगर से सब्जी मंडी लाई गई थी पुलिस के बल से, उसी तरह यहाँ से जब से हटाई गई तब से लोग अपनी जगह ठीहा नहीं बना पा रहे और इनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। इसलिए इन्होंने आज आपातकालीन बैठक बुलाई है। लगभग 150 व्यापारी मौजूद हैं और इन्होंने मुझको, मैं के महंत हूँ अध्यक्ष व्यापार मंडल बबेरू, और डॉक्टर बीपी अग्निहोत्री हमारे तहसील के अध्यक्ष हैं, उनको याद किया गया तो आज हम लोग इनकी अगुवाई में तय किए हैं कि चाहे हमें सांसद या विधायक, एसडीएम साहब या सचिव महोदय या कमिश्नर स्तर तक या प्रमुख सचिव महोदय से मिलना पड़े और इनको, इनकी लड़ाई को हम 15-20 दिन के अंदर इनको जीत दिलवाएंगे। ये हमारे कंधा से कंधा मिला के चले, हम इनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये सब्जी मंडी पुनः वापसी होगी इसी गल्ला मंडी बबेरू में। शुभ नाम आपको? के महान अध्यक्ष व्यापार मंडल बबेरू। हमारा नाम रामकृपाल मौर्य, सब्जी व्यापारी
यहाँ पर किस प्रकार की बैठक की गई है आज? इस प्रकार की बैठक की गई कि हम लोग छोटे वर्ग या बड़े वर्ग, छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी, आज उस परिस्थिति में आ गए हैं कि हम लोग रोड रोड पर ठेला पे लगा लगा कर सब्जी बेचते हैं, फिर भी नहीं बिक पाती। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जहाँ स्थायी रूप पर स्थल पर मंडी लगती थी सरकारी मंडी पर, वहीं पर मंडी लाई जाए। जो उसी को लेकर बैठक की गई जी, कौन कौन से लोग मौजूद थे इस बैठक में? इस बैठक में हमारे बुद्ध प्रकाश अग्निहोत्री समाज सेवा, हमारे के महंत जी या अन्य भाई व्यापारी छोटे वर्ग या बड़े वर्ग के व्यापारी और किसान। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कृपाल।